फिल्म जगत के कलाकारों को राजनीति करने व बिना सोचे समझे बयानबाजी करने का शौक उनके शुभचिंतकों के बीच में बनी इमेज को कुछ पलों में ही खराब कर देता है। ऐसा ही वाक्य गत दिनों फिल्म जगत के कपूर खानदान के लाडले ऋषि कपूर ने गांधी व नेहरू के परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए जो टिप्पणी की, उससे वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए। लुधियाना कांग्रेस के इलेक्ट्रिक एंड पॉलिटिकल सेल के कार्यकर्ताओं ने नेहरू व गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी के विरोध में कैलाश चौक के बीच चौराहे में भारी नारेबाजी करते हुए फिल्मी कलाकार ऋषि कपूर का पुतला फूंका। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एंड पॉलिटिकल सेल के अध्यक्ष नरेंद्र मक्कड़ ने देश के राष्ट्रपति से कपूर खानदान द्वारा गलत बयानबाजी करने व अश्लीलता फैलाने के विरोध में देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। नरेंद्र मक्कड़ ने इसके साथ ही ऋषि कपूर को भाजपा के पिट्ठू बताते हुए चेतावनी दी है कि आज के बाद ऋषि कपूर को पंजाब की धरती पर पांव नहीं रखने दिया जाएगा और साथ ही ऋषि कपूर की किसी भी फिल्म को पंजाब में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ सुभाष खरबंदा, एस के शर्मा, अमित मदान, नीरज जोशी व अन्य साथी भी मौजूद थे। ये गल्ला शोभा नहीं देंदियां, ये राजनीतिक मसला आज जो बीजेपी का पिट्ठू बन के कांग्रेस उत्ते वार कर रहा, जिसनों किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऋषि कपूर तो उसका पिछला पिछोकड़, उसका जो परिवार है जिसने हिंदुस्तान की सभ्यता को चंद पैसों की खातर वेचा, पूरे हिंदुस्तान के अश्लीलता फैलाने लिए एक कपूर परिवार जिम्मेवार है। अज ऋषि कपूर किस मूह के नाल गांधी परिवार तो नेहरू परिवार के खिलाफ बोल रहा, ये समझ तो बाहर है। कि ताकत के मगर लग के कर रहा, जेकर वो राजनीति दी गल्लां करनी चाहता तो अपनी हीरोगिरी छड़ के राजनीति में सीधे तरीके आए, फिर असं उसनों हर गल का जवाब देवे, क्योंकि गांधी परिवार तो नेहरू परिवार सारे हिंदुस्तान के लोगों को पता है, वो परिवार है जिसने कुर्बानियां दे के जिथे देश को आज़ादी वास्ते कुर्बानी दी, देश की वड्डी तो वड्डी समस्या लई हर कुर्बानी देने लई कांग्रेस परिवार का हथ रहा। आज चौक पर सारे इकट्ठे हुए हैं ऋषि कपूर का पुतला फूकने लई। कुछ दिन पहला ऋषि कपूर ने कोई बयानबाजी की थी गांधी परिवार के खिलाफ। ऋषि कपूर ने भूल गया कि वह गांधी परिवार जिन्हें देश की लई कुर्बानियां दी, देश की आजादी लई कुर्बानियां दी, तो अज तक गांधी परिवार सेवा देश की कर रहा है। CNA चैनल के लिए लुधियाना से डिंपल मदान की रिपोर्ट।